तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से निकल कर मैं अभी जा रहा हूँ दशाश्वमेध घाट की तरफ। और पूरे बनारस में आपको पता है ऐसी छोटी छोटी गलियाँ मिलेंगी अगर आप बनारस गए हैं तो। अगर आप बनारस नहीं गए हैं तो जाइए और छोटी छोटी गलियों का मज़ा लीजिए। और बहुत ही खूबसूरत होती हैं गलियाँ। यहाँ आसपास जो घर हैं, लोगों का जो रहन सहन है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि कुछ एक नया चीज़ उनको देखने मिलता है। तो मंदिर में अच्छे से दर्शन वगैरह तो कर लिए, अब चलते हैं दशमेव घाट। बनारस की भीड़, स्ट्रिप और स्ट्रिप बनारस की भीड़ देखने आए हैं हम, तो आप भी देखो। अच्छा यही था यार। और दोस्तों ये जो जगह है, ये ज़्यादातर आप वीडियो पे देखे होंगे, ज़्यादातर वायरल होता है। लाइट भी, ये वाला जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत होता है, लाइटिंग वगैरह गजब। प्रणाम बाबा जी। इधर पे देखिए भवन बना है, दशाश्वमेध भवन बहुत अच्छा बना है। सामने से दिखाता हूँ आपको। चलो भाई, बहुत भीड़ भाड़ अभी शायद कंप्लीट हुआ नहीं लग रहा है यार। इधर एक्सलेटर लगा हुआ, ऊपर शायद कुछ होगा, अभी तो खैर रेडी नहीं है। ये देखो दीवार से घोड़े बाहर निकल रहे हैं। ये देखो गंदगी देखो कितना करके रखे हैं यहाँ की समझदार पब्लिक। ये देखो और यहाँ गंदगी करने वाले और कोई नहीं है। क्या बच्चे ठीक है? यहाँ पर मुंडन हो रहा है। ये सामने घाट, दशाश्वमेध घाट, घाट घाट। और गंगा जी का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से पानी कितना ऊपर आ गया है देखो। और ये यहाँ का काफ़ी फेमस घाट है, ये देखो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हो गया बस। तो जल स्तर इतना ज़्यादा यहाँ बढ़ा हुआ है। चलो फिर चलते हैं वापस। यहाँ पर घाट पे जगह जगह पंडित लोग श्राद्ध करवा रहे हैं, पंडा पंडित। बाबा जी हमारे पास तो पानी के लिए पैसा नहीं है। नहीं बड़े आदमी पर पानी पैसा कहाँ, बड़ा आदमी छोटे ही तो बाबा जी। आप चल चल के पूरा चेहरे का बैंड बज गया है गर्मी की वजह से। पानी ढूंढता हूँ, बहुत समय से पानी पिया नहीं है। क्या गर्मी है। Beep, beep.
दोस्तों ये वाला वीडियो मैं यहीं तक का रखूँगा और नेक्स्ट वीडियो में देखना कुछ अलग सा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। अच्छा ही लगा है।